20वीं सदी के महान संत, समाज सेवक संत श्री रमण महर्षि। श्री रमण महर्षि का जन्म 30 दिसंबर 1879 को तमिलनाडु के तिरुचली गांव में हुआ था। उस दिन अद्र दर्शन का पर्व था, यानी कि भगवान शिव का प्रसिद्ध पर्व था। बचपन का नाम उनके माता पिता ने वेंकट रमण अय्यर रखा था। उनके पिता सुंदरम अय्यर की कुल 4 संतान थे, जिसमें से वेंकट रमण दूसरे नंबर के पुत्र थे। लेकिन बाद में वेंकट रामन अय्यर रमण महर्षि के नाम से विश्व में प्रसिद्ध हुए। महर्षि रमण 20वीं सदी के महान संत रूप में जाने जाते हैं। अगर उन्हें वैदिक संस्कृति के प्राण रचयिता के रूप में कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। उन्होंने अपने कठिन तप से ज्ञान और आत्मा की खोज की और उसे जागृत किया। उनके हृदय में जीव जंतु और संसार रूपी इस दुनिया में सभी के प्रति दया भाव था और सभी के हित को लेकर चिंतन भी करते थे। जिन्हें समाज आजकल अरुणाचल के प्रसिद्ध योगी श्री महर्षि रमण के नाम से हम सभी जानते हैं। दोस्तों, आइए आज पढ़ते हैं विश्व प्रसिद्ध 20वीं सदी के महान संत, समाज सेवक संत श्री रमण महर्षि जी के बारे में कुछ अनमोल उपदेश। सभी जीव सदैव आनंद खुशी की इच्छा रखते हैं, ऐसा आनंद जिसमें दुख का कोई स्थान ना हो। जबकि हर व्यक्ति अपने आप से सबसे अधिक प्रेम करता है। इस प्रेम का केवल एक कारण आनंद है, इसीलिए आनंद अपने स्वयं के भीतर हमेशा होना चाहिए। मन क्या है? मन अंतर आत्मा की एक आश्चर्यजनक शक्ति है, जो शरीर के भीतर में मैं के रूप में उदित होता है। वह मन है। जब सूक्ष्म मन मस्तिष्क एवं इंद्रियों के द्वारा बहिर्मुखी होता है तो स्थूल नाम रूप की पहचान होती है। जब वह हृदय में रहता है तो नाम रूप विलुप्त हो जाते हैं। यदि मन हृदय में रहता है तो मैं या अहंकार, जो समस्त विचारों का स्रोत है, चला जाता है और केवल आत्मा या वास्तविक शाश्वत में प्रकाशित होता है। जहां अहंकार लिस मात्र नहीं होता, वहां आत्मा है। केवल शांति अस्तित्वमान है। हमें केवल शांत रहने की जरूरत है। शांति ही हमारी वास्तविक प्रकृति है। हम इसे नष्ट करते हैं। इसे नष्ट करने की आदत को बंद करने की जरूरत है। जब तक इंसान अज्ञानी रहता है, तभी तक पुनर्जन्म का अस्तित्व बना रहता है। वास्तव में पुनर्जन्म है ही नहीं। ना वह पहले था, ना अभी है, ना आगे होगा। यही एक सत्य है। मृत्यु शरीर को मार सकती है। अहम मैं आत्मा अनिश्वर है, अमर है, मृत्यु की हर एक सीमा से बाहर है। मन दो नहीं है, अच्छा और बुरा। वासना के अनुरूप अच्छे और बुरे मन का स्वरूप हमारे सामने आ जाता है। सबसे उत्कृष्ट दान ज्ञान दान है। परमात्मा और आत्मा एक ही वस्तु के तत्व के दो नाम है। अहंकार मूल पाप है। लोभ क्रोध व मोह ऐसी ही छायाएं हैं। हृदय गुहा के मध्य में केवल ब्रह्म आत्मा के रूप में अहम अहम की स्फुरणा के साथ चमकता है। श्वासन नियमन या एकाग्रचित आत्मा विचार द्वारा अपने भीतर गोता लगाकर हृदय में पहुंचो। इस प्रकार से आप आत्मा में स्थिर हो जाएंगे। अपने आप को जानो। आत्मज्ञान परमोच्च ज्ञान है। सत्य क्या ज्ञान है? दुख का कारण बाहर नहीं है, यह तो अपने भीतर है। दुख की उत्पत्ति अहंकार से होती है।
मौन की भाषा शांतिमयी वाणी में जो सक्रियता और शक्ति है वह भाषण प्रवचन कदापि नहीं है। व्यक्ति समाज से तिरस्कृत होने पर दार्शनिक, शासन से प्रताड़ित होने पर विद्रोही, परिवार से उपेक्षित होने पर महात्मा और नारी से अनादृत होने पर देवता बनता है। स्वप्न एवं जागृत अवस्था में कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि स्वप्न छोटा तथा जागृत अवस्था लंबी होती है। दोनों ही मन के परिणाम है। वास्तविक अवस्था जिसे तुरिया चतुर्थ कहा जाता है, जागृत स्वप्न एवं नींद के पार है। इस बात का विचार मत करो कि तुम मरने के बाद क्या होगे। समझना तो यह है कि तुम इस समय क्या हो। ईश्वर को जानने के पहले अपने आप को जानना चाहिए। आत्मा से भिन्न ईश्वर की स्थिति नहीं है। आत्मा संसार को न जानने के कारण ही दुखी है। तुम भविष्य की क्यों चिंता करते हो? तुम तो अपना वर्तमान ही नहीं जानते हो। वर्तमान को संभालो, भविष्य स्वयं अपने आप ठीक हो जाएगा। विधाता प्राणियों के भाग्य का उनके कर्म के अनुसार निपटारा करते हैं। जो नहीं होना है वह नहीं होगा। सर्वोत्तम और परम शक्तिमयी भाषा मौन है। मौन शांति का भूषण है। उपदेश तो नितांत मौन रहकर दिया जा सकता है। हरिओम।